अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। क्या तानाशाही हार रही है? आज यही मौजू है। आज इस मौजू पर बोलने की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद भारत का हर शहरी यह सोचने पर मजबूर हो गया है, क्या इस तरह भारत में न्याय व्यवस्था का गलत इस्तेमाल किया जाएगा? जब एक रियासत के वजीर आला की गलत तरीके से गिरफ्तारी अमल में आ सकती है तो फिर आम आवाम का क्या होगा? खैर, पूरे भारत में भाजपा मोदी हुकूमत की जानिब से सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल होने की बात अब देश की जनता भी समझ रही है। किस तरह करोड़ों रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हासिल किए गए, एक तरह की फिरौती अमीर लोगों की जानिब से वसूल की गई। पहले ही मनीष सिसोदिया या फिर संजय सिंह को जेल में रखा गया है, आज रिहाई भी होने की बात कही जा रही है संजय सिंह के। अब करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड का पर्दाफाश हुआ है, यहां तक कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी भरी अदालत में भाजपा को लथाड़ा है। खैर, इसके बावजूद भी 400 पार का नारा मुस्तकिल दिया जा रहा है और हकीकत में 400 आए ना आए मालूम नहीं, लेकिन मीडिया तो 400 पार का नारा मुस्तकिल लगा रही है, मतलब मीडिया को बहुत जल्दबाजी है। खैर, हर हाल में इस बार जीत दर्ज करना मकसद अव्वल मोदी हुकूमत का है। CAA, NRC, 370, राम मंदिर, ज्ञान व्यापी तमाम हरबे इस्तेमाल करके खत्म हो चुके हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड, नोटबंदी, GST, यहां तक वैक्सीन में भी रिश्वतखोरी मोदी हुकूमत की जानिब से करना इंतहा ही कह सकते हैं। भले देर से ही सही पर कुछ अंधभक्तों को थोड़ी थोड़ी समझ अब आ रही है, पर यह दर्द ऐसा है कि कह भी नहीं सकते। अंधभक्तों को समझ में तो आ रहा है कि हमारे बच्चों को भगवा झंडा देकर दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा कर दिया जा रहा है और इन्हें भड़काया जा रहा है, और मखसूस लोग इसमें अपनी सियासी रोटियां सेंक भी ले रहे हैं, और हमारे बच्चों को जेल मुकदमे और अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि इस बात के बारे में कई बार बामसेफ हो या भारत मुक्ति मोर्चा, मूल निवासी और दिगर सेक्युलर पार्टियों ने समझाने की कोशिश की, पर सिर्फ मुस्लिम नफरत जहन में पैवस्त हुई थी तो बात साफ नहीं हो पा रही। लिहाजा फिलहाल मुल्क का अक्सर इलाका सूखे की जद में आ चुका है। बेलगाम जिला भी सूखे से मुतासर होने का ऐलान किया गया है। नदियां सूख चुकी हैं, नाले सूख चुके हैं, बोरवेल सूख रहे हैं, किसान प्यासा है, फसल सूख रही है, यहां तक पीने को पानी मयसर नहीं हो रहा। बात सिर्फ मुसलमानों की ही होती तो कुछ और बात होती, लेकिन यहां तो अक्सर हिंदू समाज है और सबसे ज्यादा मुतासिर भी यही तबका होता है। ताज्जुब तो इस बात पर भी होता है कि भाजपा उल्टा कांग्रेस पर ही इल्जाम लगाती है कि कांग्रेस मुसलमानों की हिमायत करती है, यानी कि मुस्लिम अपीजमेंट जिसे कहा जाता है, और जहां भी बिगर भाजपा हुकूमत आती है वहां हिंदुओं पर जुल्म किया जा रहा है। अब कोई बताए तो सही कि 20% मुसलमानों के वोट कोई लेकर कैसे जीत दर्ज कर सकता है? जहां 80% हिंदू ही है वहां सिर्फ 20% की हिमायत कौन कर सकता है? मतलब किस तरह का झूठा प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। खैर, अब इन तमाम बातों को आवाम ने समझना शुरू किया हुआ है। दरअसल मोदी की जुमलेबाजी से आवाम अब उग भी चुकी है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम और मुसलमानों को निशाना बनाते हुए मुल्क के हिंदुओं पर ही ज्यादती की जा रही है, इसका एहसास अब होना शुरू हुआ है। लिहाजा एक तरह की तानाशाही जो मोदी शाह हुकूमत की जानिब से की जा रही है, इसका असर आने वाली लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। बहुत सारे वादे मोदी हुकूमत ने किए थे पर एक भी मुकम्मल होते नजर नहीं आ रहा। भारत की जनता के सरों पर छत यानी घर तामीर कर देने की बजाय बुलडोजर के जरिए भारत ही के अवाम को बेघर करने का काम इसी मोदी योगी शाह की जानिब से किया जा रहा है, इसे भी आवाम ने समझ लिया। हाल ही में मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारने की बात सामने आई है। जाहिर है ये भी एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश कही जा रही है और अक्सरियत समाज को मुस्लिम माफिया को खत्म करने का पैगाम कहा जा रहा है, लेकिन इन तमाम बातों में आवाम की दिलचस्पी नजर नहीं आ रही। कर्नाटक में तो कांग्रेस हुकूमत है और यहाँ 15 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। उत्तर भारत में पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में भी भाजपा को झटका लग सकता है, और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर फसाद का असर रहेगा जिससे भाजपा को सीधा नुकसान होगा। दक्षिण भारत में भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है बताया जा रहा है। दक्षिण भारत में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा ऐसा माहिरीन और कई एग्जिट पोल का कहना है। जहां 400 पार कहा जा रहा है, क्या भाजपा 200 भी पार कर सकती है क्या? ऐसा सवाल माहिरीन की जानिब से किया जा रहा है क्योंकि 272 अक्षरियत को चाहिए। बेलगाम की दोनों सीटें कांग्रेस जीत सकती है। भाजपा के जगदीश शटर को तो बेलगाम भाजपा से ही विरोध किया जा रहा है ऐसा बताया जा रहा है। मृणाल हेबाड़कर के लिए रास्ता साफ नजर आ रहा है। चिक्कोड़ी में भी कांग्रेस की जीत यकीनी कही जा रही है। खुरबा समाज के 3.5 लाख वोटर से और मुस्लिम दलित वोटरों का वोटिंग फीसद भी यहां अच्छा रहा तो यहां की सीट भी आसानी से निकल सकती है। कर्नाटक में कांग्रेस अच्छा मुजाहरा कर सकती है। अगर जुनूबी हिंद का सर्वे सामने आया है जिसमें भाजपा को 132 में से
सिर्फ 20 सीटें या इससे भी कम सीटें हासिल हो सकती है ऐसा बताया जा रहा है, और इंडिया गठबंधन को 110 सीटें मिल सकती है ऐसा कहा जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड और केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ मुल्क की सतह पर बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मसले को इस बार भारत की आवाम संजीदगी से लेते हुए नजर आ रही है। यकीनन अगर दो तिहाई के साथ भाजपा हुकूमत बनाती है तो मुल्क के संविधान को बदलने की बातें इससे पहले भी भाजपाई लीडरों की जानिब से कही गई है। मतलब अब फिलहाल कुछ तब्दीलियां नजर आती दिखाई दे रही है। मुल्क में नफरत की फिजा को खुद कुछ भक्त मंडली भी पसंद नहीं कर रही, हिंदुत्व के नाम पर ठगा जा रहा है ऐसा भी कुछ लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। बहरहाल 7 मरहलों में हो रहे चुनाव का आखिरी नुक्ता लास्ट पॉइंट ईवीएम पर आकर रुकता है। हालांकि ईवीएम को कांग्रेस ही ने लाया था पर उसका पूरा फायदा भाजपा ने उठाया, और भले ही किसी तरह का विकास न करे पर चुनाव जीतने के तमाम हरबों में महारत भाजपा हासिल कर चुकी है। वरना तो खुद ही धर्म की राजनीति या खुद रिश्वतखोरी कर इल्जाम विपक्ष के माथे पर मारना ये भाजपा ही कर सकती है। अब तो मोदी के जुमलों की जादू भी नहीं रही। हिंदू मुस्लिम का पुराना खेल कहां तक कामयाब होता है या फिर ईवीएम से ही चुनाव जीतने का मुकम्मल इंतजाम अगर किया है तो इंडिया गठबंधन कुछ नहीं कर सकता। पर सवाल कांग्रेस पर भी उठाना लाजिम है कि इतने सालों से भाजपा जीत रही है पर कभी ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठाए गए। 2002 दंगों के बाद कांग्रेस को मौका था कि मोदी योगी छा पर कार्रवाई करते, पर आज वक्त निकल जाने के बाद सोचना हिमाकत ही कह सकते। कहने का मतलब बहुत मौके कांग्रेस को भी हासिल हुए लेकिन वो तमाम मौके गंवा चुकी है। अब एक बार फिर खुद आवाम ही भाजपा के खिलाफ वोट कर सकती है ऐसा कयास लगाया जा रहा है। मोदी हुकूमत को लेकर नाराजगी बढ़ चुकी है। मुल्क का ये चुनाव बहुत ही अहम है और मुल्क की दिशा को मोड़ने वाला है। भाजपा अगर मान लो 400 पार के नारे को सच करती है तो मुल्क का संविधान खत्म होगा, लेकिन मुल्क का संविधान खत्म करना भी उतना आसान नहीं है क्योंकि इस बार तानाशाही खत्म होती नजर आ रही है। मतलब फिर से लोकतंत्र जिंदाबाद कह सकते हैं। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। आइए देखते हैं अब कुछ अहम खबरें। बेलगाम जिला अब गर्मी की जद में आ चुका है, इससे पहले इतनी गर्मी नहीं दिखी गई ऐसा भी कहा जा रहा है। बेलगाम जिला ही के कटकोड़ में यानी कि रामदुर्ग तालुका में 42 डिग्री तो बेलगाम शहर में 48 डिग्री बताई जा रही है। बढ़ती गर्मी से लोग हैरान हैं। रमजान का मुबारक महीना जारी है, इससे पहले भी यानी 2019 में 39.4 तक गर्मी पहुंच चुकी थी। बेलगाम जिले में सबसे ज्यादा रामदुर्ग तालुका में गर्मी देखी जा रही है। आने वाले 2 महीने में और भी हालात खराब हो सकते हैं कहा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वजीर दाखिला अमित शाह बेंगलोर में दाखिल हुए। बेंगलोर के पल्स मैदान में आवाम से खिताब भी फरमाया। सोने का भाव बढ़ा, सोने की कीमत महज 10 ग्राम को 68,420 रुपए तक पहुंच चुकी है। अब तक के सबसे ज्यादा कीमत पर सोना पहुंचा हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। अगले 2 महीने इसी तरह से महंगा रहेगा ऐसा भी कहा जा रहा है। एक बार फिर ज्ञानवेपी मस्जिद में पूजा करने की इजाजत अदालत की जानिब से दी गई, जिसके बाद मस्जिद कमेटी नाराज हुई। अंजुमन कमेटी की जानिब से पूजा पाठ को लेकर इजाजत न देने की अपील अदालत में की गई थी। शाहपुर नवी गली भारत नगर की जानिब से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मुजारा रमजान महीने में करते हुए इफ्तार पार्टी का इत्माम किया गया था, जिसमें नवी गली पंच कमेटी और भारत नगर पंच कमेटी को मधु किया गया था, जिसमें खासकर कारपोरेटर रवि साळुंके, सतीश पाटिल, भवानी राजपूत, रवि शिंदे, किशोर पवार, अशफाक घोरी, जाकिर कनबरगी, अमजद मोमिन और मुदस्सर बागलकोटी शरीक रहे। इसेंजा परफ्यूम्स का हाल ही में बेलगाम शहर में कयाम अमल में आया है। अरब और फ्रेंच परफ्यूम का मजमुआ यहाँ देखने को मिलता है, खास तौर से अरबी इतर के मुख्तलिफ किस्म यहाँ पर आपको दस्तियाब होंगे। बेलगाम में इस लहज का नॉर्थ कर्नाटक में पहला परफ्यूम शॉप कहा जा रहा है। किसानों की जानिब से एहतजाज किया गया और सड़कों को रोका गया। इस वक्त पुलिस के साथ उनकी बहस भी देखी गई।
आइए देखते हैं कुछ मनाज़िर। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जना राज्य देश नावा जगत के हलवर विचार परवा याद हत वर्ष आगे इवत नाव हल चुनाव बरतारो नम ओट हाक्री निम अंद चंदी निम बंगार को अंत बोगस मत तले के हलिय बंद कर्नाटक राज्य रैत संघ जय जवान जय जवान कानून अंत कानून ರೈತರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಯಾವರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಸಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಕ ಬಂದರ ಕೈಟ್ಟಿ ಬಿಡ್ರ ಮಗನ ನೋಡಿ ಬಿಡೋನು ಬೆಕ್ಕಲ ಬರ್ಲಿ ಕುಡಿಯಕ ನೀರಿಲ್ಲ ಒಂದ ತಾಸ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿದು ಕರೆಂಟ್ ಒಂದ ತಾಸ ನಮಗೆ ಕುಡಿಯಕ ನೀರು ಸಾಲುದಿಲ್ಲ ಮೇವ ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆಸೋದು ಕಬ್ಬ ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆಯೋನು ಸಾಲ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಐತೆ ಮತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ನಾಯಿ ನುಂಗಿಸ್ತಂಗ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿಸ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾರ ಸರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರ